हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजय हेयर। टुडे वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सी प्री प्रोसेसर इज ए मैक्रो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स प्रोसेस योर प्रोग्राम और सोर्स कोड बिफोर इट इज कंपाइल्ड। मींस अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो सबसे पहले सी सोर्स कोड है, उसके बाद प्री प्रोसेसर है, उसके बाद कंपाइलर है। मींस ये जो सी प्री प्रोसेसर होते हैं ये एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और ये प्रोग्राम जो हैं आपके मेन प्रोग्राम से पहले जब आपका कंपाइलर आता है तो मेन प्रोग्राम के साथ ही ये प्रोग्राम अटैच हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं इस फिगर को। सी सोर्स कोड है, सोर्स कोड के साथ यहाँ पर लिखा है आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इफ यस प्री प्रोसेसर परफॉर्म एक्शन एंड देन कंपाइलर। अगर आपके साथ प्री प्रोसेसर अटैच हैं देन उस सोर्स कोड के साथ वो फाइलें अटैच होंगी और अटैच होने के बाद कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। These directives are executed before the C program passes through the compiler. Once again, it is a collection of special statements called preprocessor statements or preprocessor directives. These directives are executed before the C program passes through the compiler. तो ये चीज़ें आपको इस फिगर से समझ में आ गई होंगी। Now, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दीज आर स्टेटमेंट विच बिगिन विद द हैश सिंबल प्लेस्ड इन द फर्स्ट कॉलम। दे आर प्लेस्ड बिफोर द फंक्शन मेन। दे विल बी नो सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। फॉलोइंग आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो निम्न तरीके के मैक्रोज को या डायरेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। नंबर वन, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव। नंबर टू, फाइल इंक्लूशन डायरेक्टिव। नंबर थ्री, कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हेयर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ए मैक्रो इज ए फ्रैगमेंट ऑफ कोड दैट इज गिवन ए नेम। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन आइडेंटिफायर of a C program by a constant or a symbolic constant. You can define a macro in C using the hash define preprocessor directive. For example, hash define pi 3.14. देखिए इस लाइन में what is hash define? Hash define is a preprocessor directive. तो जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, C लैंग्वेज का कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हैं, आप उसमें प्री प्रोसेसर यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा हैस इंक्लूड, दिस इज हैस इंक्लूड, ये भी एक प्री प्रोसेसर है। हैस डिफाइन, ये भी एक क्या है, प्री प्रोसेसर। तो सी लैंग्वेज का कोई सा भी प्रोग्राम हो उसके अंदर आपने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जरूर यूज की होगी। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है, हैस डिफाइन पाई 3.1415, पाई की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी हो गई है, कॉन्स्टेंट। तो देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। ए मैक्रो इज ए फ्रेगमेंट ऑफ कोड दैट इज गिवन ए नेम। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन आइडेंटिफायर ऑफ ए सी प्रोग्राम बाय ए कॉन्स्टेंट और ए सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। यू कैन डिफाइन ए मैक्रो इन सी यूजिंग द हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को हम किससे दिखा सकते हैं, हैज डिफाइन डायरेक्टिव से, ये इसका आइडेंटिफिकेशन। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है हैश डिफाइन का यूज करते हुए, हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश डिफाइन पाई 3.1415, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने पाई की यहाँ पर डिफाइन कर ली है। किसके थ्रू, हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू या हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू। नाउ इंटीजर मेन फ्लोट रेडियस एरिया प्रिंट एंटर द रेडियस, रेडियस एंटर कर ली एंड देन एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू रेडियस इनटू रेडियस। व्हाट इज पाई,
पाई को हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है एंड डिफाइंड प्रोसेसर है। तो इस पाई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर। क्या वैल्यू पाई की, 3.1415। एंड देन ये मल्टीप्लीकेशन होकर के हम एरिया को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके क्या आंसर आता है। कॉपी, गो टू द एडिटर, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। दिस इज आवर प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। रन करते हैं .m1 एंड देन एंटर। m1 स्मॉल से है, m1। नाउ एंटर द रेडियस, आपने का रेडियस 2 एंड देन एंटर। एरिया इज 12.57। क्या आउटपुट आया इसका, एरिया इज दिस। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आया, आउटपुट इज एरिया इज इक्वल टू 12.57। नाउ सेकेंड फंक्शन लाइन मैक्रोज, ये जो अभी आपने पढ़ा था मैक्रो, ये कौन सा था, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को हम ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन लाइन लाइक मैक्रो। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन मैक्रो दैट वर्क इन ए सिमिलर वे लाइक ए फंक्शन कॉल। दिस इज नोन एज फंक्शन लाइक मैक्रोज। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी राइट हेयर हैज डिफाइन सर्किल एरिया आर, और इस आर जो है, यहाँ पर सर्किल एरिया आर जो है वो एक क्या है, एक फंक्शन है, एक छोटा सा फंक्शन है। हमने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन के नेम को, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करा दिया आर। ये जो फंक्शन है ये क्या वर्क करेगा, इसकी वर्किंग इसके साथ लिख दी गई है। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन मैक्रोज that work in a similar way like a function call. This is known as function like macros. ये बिल्कुल function के तरीके से work कर सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्लियर सर्किल एरिया लिखा है, और इस सर्किल एरिया जो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वर्किंग क्या है, वो ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज डिफाइंड पाई 3.14, हैज डिफाइंड सर्किल एरिया पाई इंटू आर इंटू आर। वॉट इज पाई, पाई भी क्या डिफाइन है, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.1415, और आर की वैल्यू हम यूजर से पूछेंगे। तो मेन फंक्शन में आते हैं, फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया, प्रिंट एफ एंटर द रेडियस, रेडियस हमने एंटर करी। नाउ एरिया इज इक्वल टू सर्किल एरिया। वॉट इज सर्किल एरिया, सर्किल एरिया इज ए प्री डिफाइंड मैक्रो। यहाँ पर पहले से हमने क्या कर रखा, डिफाइन कर रखा, तो ये यहाँ से कॉल होगा। जैसे ही कॉल होगा तो ये रेडियस जो है वो किस में कॉपी हो जाएगी, आर में। ठीक है, और जैसे ये कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये कॉल होके कहाँ जाएगा, अपनी बॉडी पर। बॉडी कहाँ लिखी, ये यहाँ पर टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और कैलकुलेट होने के बाद वो वैल्यू किस में आ जाएगी, इस एरिया में। उस एरिया को हम क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। देखते हैं इसका आउटपुट, एंटर द रेडियस 23 एंड देन एरिया इज दिस। आइए इस प्रोग्राम को भी रन कर लेते हैं। कॉपी एंड देन मेन प्रोग्राम इज दिस। हम यहाँ पर इसको हटा करके अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, दिस आवर प्रोग्राम, एंड देन सेव एंड देन रन करके देखते हैं। नाउ .m1 एंड देन एंटर। एंटर रेडियस ऑफ द सर्किल, हमने कहा 5, तो 5 पर क्या वैल्यू आ गई, एरिया इज इक्वल टू 78.54। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ एक एग्जांपल 3 और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, जहाँ पर हमने एक फंक्शन लगाया था, अब यह कंडीशन के तरीके से, हैज इंक्लूड stdio.h हैज डिफाइन कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन v। अगर कहीं हम इस मैक्रो को कॉल करते हैं कंडीशन को, तो इसकी बॉडी क्या रिप्लेस हो जाएगी, इफ a इज ग्रेटर देन b। एंड देन हैज डिफाइन प्रिंट
प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर हम कहीं प्रिंट को यूज़ करते हैं मैक्रो को, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर देन दिस। नाउ इंटीजर मेन, इंटीजर ए एंड बी, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू आप इनपुट कर लो, बी की वैल्यू इनपुट कर लो। सपोज दैट यू एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज 23 एंड यू एंटर द वैल्यू ऑफ बी इज 10। ए इज इक्वल टू 23 एंड बी इज 10। नाउ वी कॉल कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन इज ए मैक्रो हेयर। व्हेन वी कॉल कंडीशन देन इट रिप्लेस दिस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 23 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 10। तो ये ऐसे हो जाएगा, 23 इज ग्रेटर देन बी यानी 10, इफ दिस देन प्रिंट। प्रिंट में क्या करना है हमें, ये वाला मैक्रो कॉल हो गया और यहाँ पर क्या मैसेज आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। सपोज दैट अगर ए की वैल्यू इससे लेस होती तो कोई भी आंसर नहीं आता, ब्लैंक स्क्रीन आती। तो नाउ देखते हैं इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करके क्या आउटपुट आता है। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, प्रोग्राम सेव एंड देन रन, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन करिए। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने कहा 12, सेकंड वैल्यू 10, देन एंटर, ए इज ग्रेटर देन बी। अगेन रन करते हैं प्रोग्राम को M1 से, फर्स्ट वैल्यू इज 10, सेकंड वैल्यू इज 23 एंड देन आंसर इज नथिंग हेयर। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।